उड़ीसा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की 141वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। यूनेस्को द्वारा पुरी के एक हिस्से को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किए जाने के बाद ये पहली रथ यात्रा है। इस भव्य यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं। ये उत्सव 9 दिनों तक चलता है। आपको बता दें कि इस यात्रा के शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने सोने का झाड़ू लगाया जाता है, जिसके बाद रथ यात्रा आरंभ होती है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप के बीच 3 विशाल रथों को सैकड़ों लोग मिलकर रस्सियों के सहारे खींचते हैं। इस दौरान अलग अलग रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के रथ निकलते हैं। ये रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर जाकर संपन्न मानी जाती है। कहा जाता है कि गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर रहते हैं, जहां उन्हें बहुत से पकवानों का भोग लगाया जाता है। रथ यात्रा के चौथे दिन हीरा पंचमी मनाई जाती है, जब माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की खोज में गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। इसके बाद मंदिर में 8 दिन रहने के बाद भगवान जगन्नाथ 9वें दिन वापस जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। हिंदू धर्म में इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान अपनी प्रजा के सुख दुख देखने के लिए बिहार आते हैं। ऐसे में कहते हैं कि जो भी इन रथों को खींचता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।